बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस एंड कैरियर मैनेजमेंट कोर्स का आज हम 12th लेक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, हम प्रीवियस लेक्चर का एक रीकैप कर लेते हैं जिसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी: इंडिविजुअल एंड टीम परफॉर्मेंस, चॉइसेस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन, बिल्डिंग सपोर्ट, डिफाइनिंग परफॉर्मेंस एंड चूजिंग अ मेजरमेंट अप्रोच, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, स्टेप्स एंड डेलिबरेट प्रैक्टिस, एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर का एजेंडा ये है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस हम पढ़ेंगे, इम्प्लीकेशंस ऑफ एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस डायमेंशंस, रीजंस फॉर इंक्लूजन of task and contextual performance in PMS, performance management system. Performance determinants of performance kya hote hain? A combination of three factors allow some people to perform at higher levels than others. Number one, declarative knowledge. Number two, procedural knowledge. Number three, motivation. Declarative knowledge क्या होता है? Declarative knowledge is information about facts and things, including information regarding a given task requirement, labels, principles and goals. Declarative knowledge information होती है फैक्ट्स और चीज़ों के मुतल्लिक, जिसमें ये इंफॉर्मेशन भी शामिल होती है जो कि टास्क से रिलेटेड होती है, लेबल्स, प्रिंसिपल्स और गोल्स से मुतल्लिक होती है। प्रोसीजरल नॉलेज इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, फिजिकल, परसेप्चुअल, मोटर और इंटरपर्सनल स्किल्स। प्रोसीजर नॉलेज मजमुआ होती है इन दो चीज़ों का कि हमने क्या करना है और किस तरह करना है, और इसमें शामिल होती है इंसान की कॉग्निटिव पावर, फिजिकल, परसेप्चुअल, मोटर और इंटरपर्सनल स्किल। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स थ्री टाइप्स ऑफ चॉइस बिहेवियर्स। नंबर वन, चॉइस टू एक्सपेंड एफर्ट, for example I will go to work today, choice of level of effort, for example I will put in my best at work versus I will not try very hard, choice to persist in the expenditure of that level of effort, for example I will give up after a little while versus I will persist no matter what। ये मोटिवेशन में तीन टाइप के बिहेवियर्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि नंबर वन कि ये चॉइस कि अपनी एफर्ट को एक्सपेंड किया जाए, और ये चॉइस कि किस लेवल की एफर्ट लगाई जाए, और ये चॉइस कि एफर्ट की किस किस्म की परसिस्टेंस एफर्ट में दिखाई जाए। फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमने पढ़ा कि आई विल गिव अप आफ्टर अ लिटल वाइल, कि मैं कुछ देर बाद छोड़ दूंगा वो एफर्ट, जबकि इसके मुकाबले में कि आई विल परसिस्ट, कि मैं परसिस्ट करूंगा, मैं लगा रहूंगा नो मैटर व्हाट, चाहे जो मर्जी हो। फैक्टर डिटर्मिनिंग परफॉर्मेंस: डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल मोटिवेशन। डिक्लेरेटिव कंसिस्ट करता है फैक्ट्स, प्रिंसिपल, गोल्स पे, प्रोसीजरल कॉग्निटिव स्किल, साइकोमोटर स्किल, फिजिकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल। मोटिवेशन चॉइस टू परफॉर्म, लेवल ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट। देयर आर थ्री डिटर्मिनेंट्स दैट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप सच दैट परफॉर्मेंस इज इक्वल टू डिक्लेरेटिव
इनटू प्रोसीजरल नॉलेज इनटू मोटिवेशन, यानी कि इन तीनों डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप होता है, यानी कि अगर एक इनमें से ज़ीरो हो जाएगा तो सब ज़ीरो हो जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द डिटरमिनेंट्स हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो देन परफॉर्मेंस हैज़ अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो। इम्प्लीकेशन फॉर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, द फैक्ट दैट परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाई कम्बाइंड अफेक्ट ऑफ थ्री डिफरेंट फैक्टर्स हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स। इन ऑर्डर टू एड्रेस परफॉर्मेंस प्रॉब्लम properly, manager must find information that will allow them to understand whether the source of problem is declarative, procedural, motivation or some combination of these three factors. यानी कि अगर एक प्रोफेसर ये लाइन कट कर दीजिएगा यानी कि अगर एक मैनेजर परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को एड्रेस करना चाहता है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, आया कि वो डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है या मोटिवेशन है या इन तीन का कोई कम्बिनेशन है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिटरमिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, द फैक्टर्स दैट डिटरमिन परफॉर्मेंस आर अफेक्टेड बाय एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस एंड द वर्क एनवायरनमेंट। यानी कि वो फैक्टर जो कि एक परफॉर्मेंस डिटरमिन करते हैं वो ये हैं कि एम्प्लॉय, ह्यूमन रिसोर्स की क्या प्रैक्टिसेस हैं और द वर्क एनवायरनमेंट क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। एक हम केस स्टडी डिस्कस करते हैं। एट द टॉप ऑफ लिस्ट इन टर्म्स ऑफ एनुअल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट आर IBM, यानी कि जो एनुअल ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट के लिस्ट के टॉपर्स हैं उनमें IBM $1 billion स्पेंड करता है, इन्वेस्ट करता है। एसेंचर $717 million इन्वेस्ट करता है एंड फोर्ड मोटर्स $500 million इन्वेस्ट करता है। इन दीज कंपनीज डिक्लेरेटिव नॉलेज इज नॉट लाइकली टू बी अ बिग प्रॉब्लम, यानी कि इन कंपनीज में डिक्लेरेटिव नॉलेज एक प्रॉब्लम नहीं है। व्हेन लैक ऑफ नॉलेज इज आइडेंटिफाइड एम्प्लॉयज हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू फिल इन द गैप, यानी कि जब लैक ऑफ नॉलेज आइडेंटिफाई हो जाता है तो एम्प्लॉयज के पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो उस गैप को फिल करें। However, performance problems may be related more to procedural knowledge and motivation. जबकि performance problem जो होती हैं वो relate करती हैं to procedural knowledge and motivation. वो motivation और procedural knowledge से relate करती हैं। In terms of procedural knowledge, employees may actually have the knowledge to perform certain tasks but may not have the skill to do them because the lack of opportunity for practice. यानी कि procedural knowledge लोगों को होगा लेकिन अगर उन्हें practical experience नहीं है कोई काम करने का तो वो काम सर अंजाम नहीं दे सकेंगे क्योंकि उन्हें वो काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो उस स्किल को बिल्डअप नहीं कर सके हालांकि उन्हें प्रोसीजरल नॉलेज है। इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन डाउनसाइजिंग इंटरवेंशंस मे हैव कॉज्ड अ सर्वाइवर सिंड्रोम विच इंक्लूड्स रिटेन्ड एम्प्लॉयज फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन resentment and even anger. These feelings are likely to have strong negative effects on motivation and employees may expend minimal energy on their jobs. यानी कि motivation के सिलसिले में
अगर एक कंपनी में डाउनसाइजिंग हो रही है तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ में सर्वाइवर सिंड्रोम पाया जाएगा और विच इंक्लूड्स रिटेन्ड एम्प्लॉयज़ फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन, के रिटेन्ड एम्प्लॉयज़ में फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग होगी, रिजेंटमेंट होगी उनमें और इवन के गुस्सा भी होगा। इन तमाम फीलिंग्स से नेगेटिव इफेक्ट होगा मोटिवेशन पे और एम्प्लॉयज़ बहुत कम एनर्जी लगाएंगे ऑन देयर जॉब। देयर आर थ्री इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमिन परफॉर्मेंस। नंबर वन प्रोसीजरल नॉलेज, नंबर टू डिक्लेरेटिव, नंबर थ्री मोटिवेशन। इन एडिशन इसके साथ एचआर प्रैक्टिसेस एंड वर्क एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट परफॉर्मेंस। एचआर प्रैक्टिसेस और वर्क एनवायरनमेंट भी परफॉर्मेंस को मुतासर करते हैं। व्हेन एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स मैनेजर फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज फैक्टर्स इज हैम्परिंग परफॉर्मेंस एंड देन हेल्प्स द एम्प्लॉय इम्प्रूव हिज और हर परफॉर्मेंस। जब इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा रहा हो, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश की जा रही हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि मैनेजर सबसे पहले ये अंदाज़ा लगाए कि इन तीनों में से कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी फैक्टर परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहा है और फिर एम्प्लॉय की मदद करे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। परफॉर्मेंस इज मल्टी डायमेंशनल, मीनिंग दैट वी नीड टू कंसिडर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एक मल्टी डायमेंशनल रोल है, यानी कि परफॉर्मेंस के अंदर कई एलिमेंट्स शामिल होते हैं, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल होती है और हमें कंसिडर करना चाहिए बहुत से मुख्तलिफ बिहेवियर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर्स को, ताकि हम परफॉर्मेंस को समझ सकें। ऑल्दो वी कैन आइडेंटिफाई मैनी स्पेसिफिक बिहेवियर्स, यानी कि हम बहुत से स्पेसिफिक बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू टाइप ऑफ बिहेवियर्स, दो तरह के बिहेवियर्स और परफॉर्मेंस फैसेट स्टैंड आउट करते हैं, वो ये हैं टास्क परफॉर्मेंस एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस। कि टास्क और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस क्या हैं? कॉन्टेक्चुअल एंड टास्क परफॉर्मेंस मस्ट बी कंसिडर्ड सेपरेटली, इन्हें अलग अलग कंसिडर किया जाना चाहिए बिकॉज दे डू नॉट नेसेसरली अकर इन टैंडम। टास्क परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज एक्टिविटीज दैट ट्रांसफॉर्म रॉ मटीरियल्स इंटू गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाई द ऑर्गेनाइजेशन। टास्क परफॉर्मेंस उन एक्टिविटीज पे मुश्तमिल होता है जो कि ट्रांसफॉर्म करती हैं रॉ मटीरियल्स को गुड्स में और सर्विसेज में, यानी कि टास्क परफॉर्मेंस उस तमाम लाहे अमल और उस तमाम प्रोसीजर का नाम है जो जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्ट्स। एक्टिविटीज दैट हेल्प विद द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बाय रिप्लेनिशिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजिंग और स्टाफ फंक्शंस दैट अनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी कि टास्क परफॉर्मेंस में वो तमाम एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो कि मदद देती हैं ट्रांसफॉर्मेशन में बाय रिप्लेनिशिंग द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि रिप्लेनिश करने में, दोबारा रिप्लेनिश यानी कि उसे फिल करने में रॉ मटेरियल्स को, डिस्ट्रीब्यूट करने में फिनिश प्रोडक्ट्स और प्रोवाइडिंग
मुहैया करने में इम्पॉर्टेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरवाइजिंग और स्टाफ फंक्शंस। ये तमाम एक्टिविटीज़ जब अनेबल करती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन करने में प्रॉपरली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये सब कुछ टास्क परफॉर्मेंस के अंदर आता है। कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस, मैनी ऑथर्स यूज लेबल्स प्रो सोशल बिहेवियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स इन रेफरिंग टू द कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस। यानी कि बहुत से ऑथर यूज करते हैं लेबल प्रो सोशल बिहेवियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स कॉन्टेक्सुअल प्रॉब्लम को रेफर करने में। कॉन्टेक्सुअल प्रॉब्लम इज डिफाइंड एज दोज बिहेवियर्स, यानी कि ये वो बिहेवियर्स होते हैं दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बाय प्रोवाइडिंग गुड एनवायरमेंट इन विच टास्क परफॉर्मेंस कैन अकर। यानी कि कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो इस तरह बयान की जाती है कि वो तमाम बिहेवियर्स जो ऑर्गेनाइजेशन की एक गुड एनवायरमेंट मुहैया करने में किरदार अदा करते हैं, जिसके नतीजे में टास्क परफॉर्मेंस की जा सके, उसको कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस कहते हैं। यानी कि ये एक वर्किंग एनवायरमेंट, गुड वर्किंग एनवायरमेंट से रिलेट करता है प्रोसेस। कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस, एक दो मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, ए कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज दोज बिहेवियर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्टिवनेस बाय प्रोवाइडिंग गुड एनवायरमेंट इन विच टास्क परफॉर्मेंस कैन अकर। यानी कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने में मदद करते हैं। किस तरह? कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जिसके नतीजे में टास्क परफॉर्मेंस की जा सके। यानी कि वो तमाम काम जो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अचीव करने में मदद करते हैं, कि फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस इंक्लूड्स बिहेवियर्स सच एज द फॉलोइंग। कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस में ये तमाम बिहेवियर्स शामिल किए जाते हैं। परसिस्टिंग विद एंथुसियाज्म एंड एक्सर्टिंग एक्स्ट्रा एफर्ट एज नेसेसरी टू कंप्लीट वन्स ओन टास्क एंड एक्टिविटीज सक्सेसफुली। फॉर एग्जाम्पल, being punctual and rarely absent, spending extra effort to the job। यानी कि contextual performance में ये चीज़ भी शामिल होती है कि एक employee किस तरह लगातार enthusiasm और extra effort और energy के साथ काम करता है और अपने given task को complete करता है और पंक्चुअल है, बहुत कम एब्सेंट होता है और एक्स्ट्रा एफर्ट करता है ऑन द जॉब। ये तमाम चीज़ें कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस के मद में आती हैं। वॉलंटियरिंग, जैसे कट कर दीजिएगा, वॉलंटियरिंग टू कैरी आउट टास्क एक्टिविटीज दैट आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ द जॉब। फॉर एग्जाम्पल, सजेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स, मेकिंग कंस्ट्रक्टिव सजेशंस। यानी कि वॉलंटियरिंग किया जाए काम मुकम्मल करने के लिए, गिवन टास्क को मुकम्मल करने के लिए, दैट आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ द जॉब, जो कि फॉर्मली तरीके से उस जॉब का हिस्सा नहीं है। मिसाल के तौर पे
सजेस्ट की जाएं ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट्स और इस सिलसिले में कंस्ट्रक्टिव एफर्ट की जाएं और सजेशंस दी जाएं, यानी कि कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस में ये चीज़ भी शामिल होती है कि आप वॉलंटियर करें उन तमाम कामों को, उन तमाम कामों के लिए जो आपकी जॉब का पार्ट ना हो। ये सब कुछ उसी वक्त होता है जब एक एम्प्लॉय अपनी जॉब से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है और वो एक बहुत ही अच्छे वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहा होता है। उसके नतीजे में एक एम्प्लॉय के अंदर ये तमाम सेटिस्फेक्शन और ये तमाम क्वालिटीज़ पैदा होती हैं कि वो अपनी जॉब से हट के और उससे बढ़कर काम करता है और अपनी एफर्ट और एनर्जी कंपनी की सक्सेस अचीवमेंट के लिए सर्व करता है। हेल्पिंग एंड कोऑपरेशन विद अदर्स, फॉर एग्जांपल असिस्टिंग एंड हेल्पिंग कोवर्कर्स एंड कस्टमर्स, यानी कि कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर ये भी चीज़ शामिल होती है कि आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं और दूसरों के साथ तआवुन करते हैं कामों में, कस्टमर्स के साथ, कोवर्कर्स के साथ, तमाम लोगों के साथ आप तआवुन करते हैं, मदद करते हैं, जबकि वो आपकी जॉब का फॉर्मली पार्ट नहीं होता। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स के फॉलो करते हैं एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को और प्रोसीजर्स को, फॉर एग्जांपल फॉलोइंग ऑर्डर्स रेगुलेशंस, शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी, कंप्लाइंग विद ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू एंड पॉलिसीज। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस के मद में ये भी आता है कि एम्प्लॉयज फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को, प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, ऑर्डर्स को, रेगुलेशंस को, और शो करते हैं रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट, इज्जत करते हैं फॉर अथॉरिटी, यानी कि अपने से किसी सीनियर की इज्जत करते हैं, अपने से बड़े सीनियर की इज्जत करते हैं जो कि अथॉरिटी में आपसे ज़्यादा हो या सीनियरिटी में आपसे ज़्यादा हो, उसकी इज्जत करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू और पॉलिसीज का कंप्लायंस करते हैं, उनके मुताबिक चलते हैं। एंडोर्सिंग, सपोर्टिंग एंड डिफेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल लॉयल्टी, रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन फेवरेबली टू द आउटसाइडर्स, यानी एक कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस की मद में ये भी आता है कि एम्प्लॉयज एंडोर्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं और डिफेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी शो करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को बहुत एक अच्छे तरीके से दूसरों लोगों के सामने पेश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि उस वक्त हो पाती हैं जब एक एम्प्लॉय अपनी करंट जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, उसे एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मुहैया होता है जिसके अंदर वो काम करता है और वो तमाम काम भी सर अंजाम देता है जो कि उसकी जॉब का फॉर्मली पार्ट नहीं होते, बल्कि वो खुशी से, अपनी खुशी से वो काम अंजाम देता है। बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस आर इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस टू टेक इनटू अकाउंट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। टास्क और कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम बहुत इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है, बहुत ज़रूरी डायमेंशन है, और इनको मद्देनज़र रख के ही परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम काम कर सकता है। इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल एम्प्लॉयज आर आउटस्टैंडिंग रिगार्डिंग टास्क परफॉर्मेंस बट डू नॉट परफॉर्म वेल रिगार्डिंग कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस। ये गौर करें कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में
तमाम के तमाम एम्प्लॉयज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो करते हैं टास्क परफॉर्मेंस की मद में, लेकिन वो उस तरह की परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते इन कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस. व्हाट इफ अ कोलीग हुज क्यूबिकल इज नेक्स्ट टू यूअर्स नीड्स टू टेक अ बाथरूम ब्रेक एंड आस्क यू टू आंसर द फोन इफ इट रिंग्स बिकॉज एन इम्पॉर्टेंट क्लाइंट विल कैरी आउट विल कॉल एट एनी मोमेंट व्हाट इफ वी सेड दिस इज नॉट माई जॉब. या मिसाल के तौर पर अगर इम्प्लॉयज एक हॉल में बैठे हैं और वहाँ पर आपके साथ वाले क्यूबिकल में एक कोलीग आपसे कहता है कि मैंने वॉशरूम जाना है या बाथरूम जाना है और ब्रेक लेनी है, और अगर मेरा फ़ोन आए, फ़ोन रिंग करे, तो आप उठा लीजिएगा क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट ने कॉल करनी है मुझे. और इसके जवाब में अगर आप ये कहते हैं कि मेरी जॉब नहीं, तो ये एक कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम के सिलसिले में एक फ्लॉ होगा कि आप एज अ एम्प्लॉय कॉन्टेक्चुअल परफॉर्म नहीं कर रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि आप एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे. मैनी ऑर्गेनाइजेशंस नाउ रियलाइज दैट देर इज़ अ नीड टू फोकस ऑन बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली विदाउट अ मिनिमम डोज ऑफ पॉजिटिव contextual behaviors on part of all employees. Consider the case of TRW, Automotive Incorporation, one of the world's 10th largest automotive suppliers and one of the top financial performers in the industry. बहुत सी organizations अब ये realize कर चुकी हैं कि उन्हें दोनों टास्क और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा अगर वो प्रॉपरली प्रॉस्परस होना चाहती हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि अगर एम्प्लॉयज़ काम तो बहुत अच्छा करते हैं, टास्क तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक गुड वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो कंपनी कभी भी सही तरीके से तरक्की नहीं कर सकेगी. एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं TRW ऑटोमेटिव इनकॉर्पोरेशन के. TRW हैड 2006 सेल्स ऑफ 13.1 बिलियन, 13.1 बिलियन US डॉलर की सेल TRW ने 2006 में की एंड एम्प्लॉयड अप्रोक्सीमेटली 63,800 पीपल. With increasing market pressures and sluggish growth, TRW wanted to become more performance-driven, experiment in new markets, and offer greater value to its shareholders. To do so, the senior management team developed what they senior management team developed what they labeled the TRW behaviors. These behaviors are communicated throughout the company and have a prominent role in performance management process. The majority of TRW behaviors actually focus on contextual performance. Specifically, the TRW behaviors emphasize many elements of the contextual performance, including teamwork and trust. यानी के TRW ने sluggish growth और market pressures की वजह से
एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि वो नई मार्केट्स में जाएं, नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, और इस सिलसिले में उसने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीनियर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत TRW बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और TRW बिहेवियर्स कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस की मद में थे, और इसमें इंक्लूड करते थे ये टीम वर्क, ट्रस्ट, गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और मेजॉरिटी ऑफ द TRW बिहेवियर्स कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस पे फोकस करते थे। नाउ वी विल डिस्कस द मेन डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस, कि टास्क और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या मेन डिफरेंसेस हैं। टास्क परफॉर्मेंस इंक्लूड वेरीज अक्रॉस द जॉब, टास्क परफॉर्मेंस वेरीज करती है, डिफर करती है जॉब टू जॉब। कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस फेयरली सिमिलर अक्रॉस जॉब्स, यानी कि कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस जॉब्स इन बिटवीन जॉब्स और डिफरेंट जॉब्स पे ऑलमोस्ट सेम रहती है। लाइकली टू बी रोल प्रेस्क्राइब्ड, टास्क परफॉर्मेंस जो होती है वो रोल प्रेस्क्राइब्ड होती है, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस रोल प्रेस्क्राइब्ड नहीं होती। एंटीसीडेंट्स एबिलिटीज एंड स्किल्स, एंटीसीडेंट्स पर्सनैलिटी, टास्क परफॉर्मेंस में एंटीसीडेंट्स एबिलिटी और स्किल होते हैं, जबकि कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस में पर्सनैलिटी होती है। टेबल 4.2 समराइजेज द मेन डिफरेंस बिटवीन टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस। फर्स्ट, टास्क परफॉर्मेंस वेरीज अक्रॉस जॉब। फॉर एग्जाम्पल, टास्क परफॉर्म बाय HR मैनेजर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज परफॉर्म बाय द लाइन मैनेजर, यानी कि एक HR मैनेजर की जॉब जो है वो डिफरेंट है, और उसकी टास्क परफॉर्मेंस डिफरेंट होगी फ्रॉम लाइन मैनेजर। द टास्क परफॉर्मेंस बाय सीनियर HR मैनेजर दैट इज मोर स्ट्रैटेजिक इन नेचर डिफर फ्रॉम बाय एन एंट्री लेवल HR एनालिस्ट दैट इज मोर ऑपरेशनल इन नेचर, यानी कि एक सीनियर मैनेजर HR की जो टास्क परफॉर्मेंस है वो एक स्ट्रैटेजिक नेचर की है, और एक एंट्री लेवल HR असिस्टेंट की परफॉर्मेंस ऑपरेशनल नेचर की टास्क परफॉर्मेंस है। तो ये दो भी आपस में डिफर करेंगी। ऑन द अदर हैंड, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस इज फेयरली सिमिलर अक्रॉस फंक्शनल एंड हायरार्किकल लेवल्स, यानी कि हायरार्किकल और फंक्शनल लेवल्स पे कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट एक ही जैसी रहती है। ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ जॉब टाइटल, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर एग्जाम्पल वॉलंटियरिंग टू कैरी आउट टास्क एक्टिविटीज दैट आर नॉट फॉर्मली पार्ट ऑफ जॉब। सेकेंड, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, हायरार्किकल उसमें भी, हायरार्किकल लेवल पे भी और फंक्शन लेवल पे भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जॉब के लिए वॉलंटियर करना है तो वो कोई भी कर सकता है, चाहे वो सीनियर लेवल पे हो, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो, चाहे वो एंट्री लेवल प्रोफेशनल हो, और चाहे वो सीनियर मैनेजर हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकेंड, द टास्क परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी रोल प्रेस्क्राइब्ड, टास्क परफॉर्मेंस रोल प्रेस्क्राइब्ड होती है, मीनिंग दैट टास्क परफॉर्मेंस इज यूजुअली इंक्लूडेड इन वन्स जॉब्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि अक्सर टास्क परफॉर्मेंस अक्सर औकात जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होती है, कि एक बंदे ने, एक एम्प्लॉय ने क्या जॉब करनी है। ऑन द अदर हैंड, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर्स आर यूजली नॉट रोल प्रिस्क्राइब, कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर रोल प्रिस्क्राइब नहीं होते, एंड इंस्टेड आर टिपिकली एक्सपेक्टेड विदाउट मेकिंग देम एक्सप्लिसिट, और इन्हें टिपिकली एक्सपेक्ट किया जाता है विदाउट मेकिंग देम एक्सप्लिसिट, यानी कि उन्हें वाजे किए बगैर उन्हें टिपिकली एक्सपेक्ट किया जाता है।
Finally, task performance is mainly influenced by abilities and skill, for example, cognitive, physical, whereas contextual performance is mainly influenced by personality, for example, consciousness. Now, dear students, we will discuss reasons for inclusion of task and contextual performance in performance management system. Task or contextual performance ka PMS mein include karne ki wajuhat kya hai? There are numerous pressing reasons why both task and contextual performance dimension should be included in a परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बहुत सी वजूहात हैं जो कि टास्क और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस को शामिल करती हैं एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में. फर्स्ट, ग्लोबल कंपटीशन इज रेजिंग द लेवल्स ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज. नंबर वन, ये सबसे पहले ये कि ग्लोबल कंपटीशन की वजह से लेवल ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रही है, रेज हो रही है. यानी कि ग्लोबल कंपटीशन जो है वो एफर्ट रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉयज को रेज कर रहा है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करनी चाहिए. सेकंड, रिलेटेड टू इशू ऑफ ग्लोबल कंपटीशन इज द नीड to offer outstanding customer service. Yani ke global competition ki wajah se outstanding customer service dena ek bahut zaruri element ban gaya hai kisi bhi business ka. Contextual performance behavior can make a profound impact on customer satisfaction. Yani ke कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस जो है बिहेवियर वो बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट असरअंदाज डालता है, असर करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करने में. यानी कि अगर आप किसी भी कॉल सेंटर में जाएं किसी मोबाइल फ़ोन कंपनी के और वहाँ जैसे ही आप एंटर हों तो अगर ये चीज़ भी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस से आएगी कि कस्टमर कॉल सेंटर में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल, आप कॉल सेंटर में एंटर हों और एकदम कोई उनका एक एम्प्लॉय आपके पास आए और पूछे कि सर या मैडम आपको क्या काम है, मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकता हूं, और वो आपको गाइड करे कि अगर आपने नई सिम लेनी है या आपने बैलेंस अपलोड करवाना है या आपने अपने नंबर को रजिस्टर करवाना है या कोई और फैसिलिटी लेनी है, तो वो आपको गाइड करे कि मैडम आप इस काउंटर पे जाएं, इस काउंटर पे काउंटर नंबर डिफरेंट काउंटर नंबर्स हों और उस पे से किस पे जाएं. तो ये तमाम चीज़ें एक कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस की मद में आती हैं कि वो आपको कस्टमर को कितना सेटिस्फाई करके भेजते हैं और कितनी जल्दी एक कस्टमर की शिकायत पर रिस्पॉन्ड करते हैं. ये तमाम चीज़ें कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस की मद में आती हैं. थर्ड, तीसरा रीज़न, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्मिंग एम्प्लॉयज इनटू टीम्स. यानी कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो एम्प्लॉयज़ को टीम्स में बना रही हैं, ढाल रही हैं. ऑल्दो सम टीम्स मे नॉट बी परमानेंट, कुछ टीम्स परमानेंट नहीं होंगी बिकॉज दे आर क्रिएटेड to complete a short term task, क्योंकि उन्हें create किया गया है एक short term task को achieve करने में. The reality of today's world of work is that teams are here to stay. आज दुनिया में काम करने का ढंग यही है कि teams को build किया जाए और उनको own किया जाए, उन्हें ज़्यादा अरसे तक उनसे काम लिया जाए. Interpersonal cooperation is a key determinant of team effectiveness. Interpersonal cooperation जो है वो key determinant होता है team effectiveness में, कि अगर team के अंदर interpersonal cooperation है तो वो उतनी ही मजबूत effective team होगी, लेकिन अगर नहीं है
तो वो टीम इफेक्टिव नहीं होगी उतनी। फोर्थ, इंक्लूडिंग बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड्स एन एडिशनल बेनिफिट। यानी कि टास्क और कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस बिहेवियर जो होते हैं वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एडिशनल बेनिफिट मुहैया करते हैं। एम्प्लॉय बीइंग रेटेड आर मोर सेटिस्फाइड विद द सिस्टम एंड ऑल्सो बिलीव द सिस्टम। कि एम्प्लॉय जो रेट किए जा रहे होते हैं वो ज़्यादा मुतमईन फील करते हैं विद द सिस्टम, कि सिस्टम के साथ कि उन्हें सही तरीके से रेट किया गया है, और वो ये यकीन करते हैं कि सिस्टम बहुत फेयर है इफ़ कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन एडिशन टू टास्क परफॉर्मेंस। ये सब कुछ वो उस वक्त बिलीव करते हैं जब टास्क परफॉर्मेंस के साथ कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी शामिल किया जाता है। इट सीम्स दैट एम्प्लॉयज आर अवेयर दैट कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस इज इम्पॉर्टेंट इन अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड देयरफॉर बिलीव दैट दीज टाइप्स ऑफ बिहेवियर्स शुड बी इंक्लूडेड इन अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन एडिशन टू मोर ट्रेडिशनल टास्क परफॉर्मेंस। आज के एम्प्लॉयज को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस क्रिएट करने के लिए। और वो ये यकीन करते हैं कि इस तरह के बिहेवियर लाजमी शामिल किए जाने चाहिए इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जबकि टास्क परफॉर्मेंस ट्रेडिशनल तौर पे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट बनते हैं और थे। लेकिन एम्प्लॉयज ये ज़रूरी समझते हैं कि आजकल के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस को भी शामिल किया जाना चाहिए। फाइनली, व्हेन सुपरवाइजर्स एवेल्यूएट परफॉर्मेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इग्नोर द कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस डायमेंशन इवन दो द एवेल्यूएशन फॉर्म दैट दे आर यूजिंग मे नॉट इंक्लूड एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस। आखिर में सुपरवाइजर एवेल्यूएट करते हुए परफॉर्मेंस को ये उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इग्नोर कर दें कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस डायमेंशन को। हालांकि एवेल्यूएशन फॉर्म में जो कि वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें ये चीज़ शामिल करनी पड़ती है अपनी एवेल्यूएशन में। इन शॉर्ट, परफॉर्मेंस इंक्लूड्स बोथ अ टास्क एंड कॉन्टेक्सुअल डायमेंशन। ये परफॉर्मेंस टास्क और कॉन्टेक्सुअल डायमेंशन दोनों को इंक्लूड करती है। बोथ शुड बी कंसिडर, दोनों को लाजमी तौर पे कंसिडर करना चाहिए, मद्देनज़र रखना चाहिए, बिकॉज बोथ डायमेंशंस कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। क्योंकि दोनों डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में अहम किरदार अदा करती हैं। इन केस ऑफ बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस ईच बिहेवियर शुड बी डिफाइंड क्लियरली सो दैट एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। दोनों के केस में, टास्क और कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस के केस में, हर बिहेवियर को क्लियरली तौर पे, वाज़े तौर पे डिफाइन कर देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो जान लें कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंक्लूड बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्सुअल डायमेंशन आर लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल। ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टास्क और कॉन्टेक्सुअल परफॉर्मेंस को शामिल करती हैं वो ज़्यादा कामयाब होती हैं। एज इन द केस ऑफ O2 आयरलैंड,
आयरलैंड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर, ये आयरलैंड की सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल ऑपरेटर कंपनी है, हेडक्वार्टर इन डबलिन। ओ टू आयरलैंड एम्प्लॉयज मोर देन 1750 एम्प्लॉयज। ओ टू आयरलैंड का हेडक्वार्टर डबलिन में है और ये 1750 एम्प्लॉयज से ज़्यादा एम्प्लॉयज रखती है। इन 2000 में ओ टू आयरलैंड इम्प्लीमेंटेड अ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ओ टू ने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया इन इट्स 320 सीट कस्टमर केयर सेंटर इन लेमरिक। इन ईयर 2000 ओ टू ने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपने एक कॉल सेंटर में, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी 320 सीट्स की थी, वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। ओ टूज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूड्स टास्क रिलेटेड फैसेट्स सेंटर्ड इन द हार्ड मैट्रिक्स रिगार्डिंग प्रोडक्टिविटी एज वेल एज कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड फैसेट्स सच एज इन्वॉल्वमेंट इन स्टाफ सोशलाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू टीम डेवलपमेंट। ओ टू का जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम था उसके अंदर टास्क रिलेटेड फैसेट्स और कॉन्टेक्चुअल रिलेटेड फैसेट्स दोनों इंक्लूड किए गए और दोनों की इन्वॉल्वमेंट की गई और दोनों को शामिल किया गया। द टारगेट सेट फॉर ईच एम्प्लॉय आर ऑल्सो अलाइंड विद कंपनी ऑब्जेक्टिव। जो टारगेट दो एम्प्लॉयज के लिए सेट किए गए उसको कंपनी ऑब्जेक्टिव से भी अलाइन किया गया, यानी कि उन्हें उसी डायरेक्शन में रखा गया जिस डायरेक्शन में कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स थे। ओ टू कंक्लूडेड दैट दिस फोकस ऑन बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस हैज लेड टू हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। और ओ टू ने यह कंक्लूड किया कि इस तरह टास्क और कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस को शामिल करने से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन बढ़ी है और कस्टमर सर्विस में बेहतरी आई है। टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस एट स्प्रिंट नेक्स्टल। स्प्रिंट नेक्स्टल इज अ प्रोवाइडर ऑफ लोकल वायरलेस लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस एंड वॉइस ओवर आईपी सर्विसेज। द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड इन रेस्टन वर्जीनिया। रेस्टन वर्जीनिया में कंपनी का हेडक्वार्टर है। एट स्प्रिंट नेक्स्टल ऑल एम्प्लॉयज आर एवेल्यूएटेड एंड डेवलपमेंटल प्लान्स आर क्रिएटेड थ्रू द यूज ऑफ फाइव कोर कॉम्पिटेंसीज और डायमेंशंस। नेक्स्टल में एम्प्लॉयज को वैल्यू किया जाता है, एवेल्यूएट किया जाता है और डेवलपमेंटल प्लान क्रिएट किए जाते हैं और उनके अंदर फाइव कोर कॉम्पिटेंसीज को और या डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है। दीज डायमेंशन इंक्लूड एक्ट विद इंटेग्रिटी। इन डायमेंशंस में सबसे पहला है एक्ट विद इंटेग्रिटी, फोकस ऑन कस्टमर, डिलीवर रिजल्ट्स, बिल्ड रिलेशनशिप्स एंड डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप। दी डायमेंशंस आर यूज नॉट ओनली फॉर बिजनेस स्ट्रेटजी एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो एज अ टेम्पलेट फॉर व्हाट सक्सेसफुल परफॉर्मेंस लुक्स लाइक एट द कंपनी। दीज डायमेंशंस इंक्लूड, ये डायमेंशन शामिल करती थी द कंसिडरेशन ऑफ बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस एंड एम्प्लॉयज इन द वैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस आर आस्क्ड टू राइट बिहेवियरल एग्जाम्पल्स हाउ दे हैव परफॉर्म्ड ऑन ईच डायमेंशन। यानी कि एम्प्लॉयज से ये पूछा जाता है इन एवेल्यूएशन कि वो एवेल्यूएशन और डेवलपमेंट प्रोसेस में ये चीज़ लिखें
कि उन्हें और उसकी एग्जांपल दें, बिहेवियरल एग्जांपल दें कि उन्हें उन्होंने किस तरह हर डायमेंशन में परफॉर्म किया. फॉर एग्जांपल डिलीवरिंग रिजल्ट्स डायमेंशन क्लियरली लिंक्स टू परफॉर्मिंग स्पेसिफिक टास्क ऑफ वन जॉब. यानी कि डिलीवरिंग रिजल्ट में डायमेंशन में ये क्लियरली लिंक करता है कि आपने परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क एक जॉब में क्या की. ईच एम्प्लॉय हैज सर्टेन टास्क टू कंप्लीट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू कीप द बिजनेस मूविंग. यानी कि एक एम्प्लॉय को सर्टेन टास्क लाजमी करने होते हैं ताकि बिजनेस आगे चलता रहे. ऑन द अदर हैंड द कंपनी इज कंसर्न्ड, जबकि दूसरी जानब कंपनी कंसर्न्ड होती है अबाउट हाउ द वर्क गेट्स डन, कि काम किस तरह हो रहा है, किस तरह कंप्लीट हो रहा है, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, और कंट्रीब्यूट करती है एक अच्छे वर्किंग एनवायरनमेंट में. दैट अलाउज फॉर ग्रेटर इफेक्टिवनेस, जो कि ग्रेटर इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है. दिस इज अपेरेंट, ये वाज़े है, थ्रू द डायमेंशंस दैट लुक एट हाउ एम्प्लॉयज डेवलप रिलेशनशिप. ये चीज वाज़े होती, दिस इज अपेरेंट थ्रू द डायमेंशंस दैट लुक एट हाउ एम्प्लॉयज इन डेवलप रिलेशनशिप विद अदर्स एंड एक्ट विद इंटेग्रिटी इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग. ये चीज इस बात से वाज़े होती है कि किस तरह एम्प्लॉयज एक दूसरे से डील करते हैं और एक दूसरे से किस तरह वो रिलेशनशिप बनाते हैं इन रोज़ाना की एक्टिविटीज़ में. इन समरी, स्प्रिंट नेक्स्टल हैज़ रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग बोथ टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल कॉम्पोनेंट्स ऑन अ जॉब इफ इट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. यानी कि इन शॉर्ट स्प्रिंट नेक्स्टल ने ये चीज़ जान ली थी कि टास्क एंड कॉन्टेक्चुअल कॉम्पोनेंट्स को जॉब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में लाजमी शामिल किया जाना चाहिए. एम्प्लॉयज आर एवेल्यूएटेड नॉट ओनली ऑन रिजल्ट्स बट ऑल्सो ऑन हाउ दे आर अचीव्ड थ्रू वर्किंग विद अदर्स. एम्प्लॉयज को इस चीज़ पर सिर्फ एवेल्यूएट नहीं किया जाता कि वो किस तरह काम कर रहे हैं, बल्कि इस चीज़ पे भी एवेल्यूएट किया जाता है कि वो दूसरों के साथ किस तरह डील करते हैं और उनका इंटरेक्शन दूसरों के साथ इन वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरह का है. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा उसको हम समराइज कर लेते हैं. आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें कवर की. नंबर वन, डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. आज हमने जो लेक्चर में पढ़ा उसको हम समराइज करते हैं डियर स्टूडेंट्स. और आज हमने सबसे पहले पढ़ा डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं. इसमें हमने तीन चीज़ें पढ़ी कि डिक्लेरेटिव नॉलेज, प्रोसीजरल नॉलेज और मोटिवेशन. ये तीन चीज़ें डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस के अंडर आती हैं और इन तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप होता है. अगर इनमें से एक भी ज़ीरो हो जाए तो तमाम ज़ीरो हो जाती हैं. देन हमने डिस्कस किया इम्प्लिकेशन फॉर एड्रेसिंग परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स, कि परफॉर्मेंस प्रॉब्लम को किस तरह एड्रेस किया जाए. देन हमने डिस्कस किया फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परफॉर्मेंस को डिटर्मिन करते हैं. उसमें हमने डिस्कस किए तीन फैक्टर्स के जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय, एचआर प्रैक्टिसेस एंड द वर्क एनवायरनमेंट. एम्प्लॉय जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि वो परफॉर्म करेगा, और एचआर प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जो कि एम्प्लॉयज को अफेक्ट करती हैं और उनके अंदर मोटिवेशन लाती हैं कोई काम करने की, या फिर डीमोटिवेशन या डीमोरलाइज होते हैं एम्प्लॉयज उन एचआर प्रैक्टिसेस से, और वर्क एनवायरनमेंट किस तरह की जिसमें एम्प्लॉयज काम करते हैं. इसके बाद हमने परफॉर्मेंस डायमेंशंस को डिस्कस किया
कि परफॉर्मेंस डायमेंशंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें हमने टास्क परफॉर्मेंस डिस्कस किया, जिसमें हमने कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस को डिस्कस किया, और देन हमने टास्क परफॉर्मेंस और कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस को एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश की, और फिर हमने टास्क परफॉर्मेंस और कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश की कि किस तरह परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक सक्सेसफुल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि टास्क परफॉर्मेंस और कॉन्टेक्सचुअल परफॉर्मेंस दोनों को शामिल किया जाए इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तभी एक कंपनी बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकती है जब ये दोनों डायमेंशंस इंक्लूड हों। उसके बाद हमने इनके रीजंस को डिस्कस किया कि रीजंस फॉर इंक्लूजन ऑफ टास्क एंड कॉन्टेक्स्चुअल परफॉर्मेंस क्या हैं और उनकी वजूहात तमाम हमने डिस्कस की, और इसके साथ ही हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स।